असलकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट टू ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट थीसिस टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ सोलॉजी जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे आज की इस वीडियो में इंटमोलॉजी पे सो एनी वन हु कैन बी रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ इंटमोलॉजी दीज टॉपिक्स वुड बी यूजफुल फॉर यू सो द फर्स्ट वन इज़ डाइवर्सिटी एंड स्पीशी कंपोजिशन ऑफ़ एनी इंसेक्ट आप किसी भी लोकेलेटी में वहाँ के कोई एक स्पेसिफ़िक इंसेक्ट की डाइवर्सिटी चेक कर सकते हैं यानी उसका नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितना है ठीक है यानी एक स्पीशीज़ के कितने मेंबर्स मौजूद हैं उसके बाद स्पीशी कंपोजिशन यानी एक जगह पे एक जैसे बीटल्स हैं तो वो कितनी टाइप्स की बीटल्स मौजूद हैं डाइवर्सिटी होगा कि एक स्पीशीज़ के नंबर कितने हैं और स्पीशी कंपोजिशन क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पर कौन कौन सी मौजूद हैं उस इंसेक्ट की आप इसको स्टडी कर सकते हैं इसके बाद एवेल्युएशन ऑफ टॉक्सिसिटी इमे डेक्लोप्रिट बाई ये पेस्टिसाइड्स हैं आप इनके अलावा कोई भी पेस्टिसाइड चूज़ कर सकते हैं बीटल्स के अगेंस्ट किसी और जो इंसेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट इनकी एफ़िकेसी चेक कर सकते हैं कि आया कि ये उस इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए या उसको इसकी इरे, कंप्लीट इरेडिकेशन के लिए ये बेनीफिशियल हैं पेस्टिसाइड्स या नहीं इसके अलावा किसी और पेस्टिसाइड का एडवांटेज चेक कर सकते हैं परिडेशन एफिकेसी पर बीटल्स यहाँ पे एक बीटल ली गई है उसकी प्रेडेशन एफिकेसी चेक की गई है ठीक है बीटल बेसिकली एफिड को खाती है ना लेडी बर्ड बीटल एफिकेसी ऑफ डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स अगेंस्ट टर्माइड्स यानी आप टर्माइट्स को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स कितनी कितनी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं ये भी चेक किया गया है उसके बाद लैमडा साई हेल्थ्रिन ये भी एक जो है ना पेस्टिसाइड है तो आप इसको चेक कर सकते हैं एफिड पे जो स्ट्रॉबेरी को अटैक कर रही है इसके अलावा इसकी डिफरेंट कंसनट्रेशंस बना के आप एफिड डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं ऑन द प्रिडेशन ऑफ कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा इसके अलावा और काइंड है यानी ये बीटल बेसिकली अटैक करती है एफिड पे ठीक है तो आप चेक कर सकते हैं कि पेडेशन लेवल क्या है कौन से इंसेक्टिसाइड्स इसको किल कर सकते हैं इसके अलावा हम कोई भी वाइटमिनस लेके अमाइनो एसिड लेके उनको हम लोकल मलबरी के साथ दे के सिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसका क्या इफेक्ट होगा हम सिल्क ओम पर यह देख सकते हैं इसके अलावा किसी भी आ, इंसेक्ट की बायोडावर्सिटी जैसे टीक्स है ना तो वो कैटल वगैरह पे अगर हैं तो आप उनकी बायोडावर्सिटी देख सकते हैं कि किस तरह कितनी कैटल्स के साथ ये एसोसिएटेड हैं इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट सिल्कम में कुछ बैक्टेरियल फाना है उन पे एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट आप देख सकते हैं हैबिटेट मॉडिफ़िकेशन ऑन द डायसिटी ऑफ एन इंसेक्ट लाइक बीटल्स यानी ये जो आजकल हैबिटेट मॉडिफिकेशन हो रही है एग्रीकल्चरल लैंड को हम इंडस्ट्रियल एरिया में चेंज कर रहे हैं उसका किसी भी इंसेक्ट की डाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट है एफिकेसी ऑफ डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स अंगेज़ द कंट्रोल ऑफ़ मेली बाग ये मिलीबा को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से इंसेक्टीसाइड चूज़ कर सकते हैं इसमें आप ख़ुद चूज़ कर सकते हैं वो इंसेक्टिसाइड ले लें जिस या उन ऐसा कम्बीशन ले लें जिस कम्बिनीशन पे पहले काम नहीं किया गया इसके अलावा आप डाइवर्सिटी चेक कर सकते हैं किसी भी इंसेक्ट की जैसे बीजल की है इस टॉपिक में ग्रास होपर की डाइवर्सिटी चेक की जा सकती है इसके अलावा एफ़िकेसी ऑफ डिफरेंट बेड्स इन द काकरोच मैनेजमेंट यानी डिफरेंट बेट्स बना के यानी खुराक काकरोच की उसको चेंज करके हम चेक कर सकते हैं इसके बाद इफेक्ट ऑफ एंटीबाइटिक्स एंटी पैरासिटिक ड्रग्स ओन्दोफेगस गज़ीला ये भी एक बीटल है इस पर हम चेक कर सकते हैं जिंजर टर्मेरिक और स्पाइनोसेट का हम इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं स्टोरेज इंसेक्ट्स पे स्टोर जो जैसे गंदम वगैरह हमने स्टोर की होती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं उस पर हम इसको इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं अडाप्टबिलिटी डाइवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनस ओनेटस को हम स्टडी कर सकते हैं स्क्रीनिंग कर सकते हैं मलबड़ी सिल्कव की डिफरेंट टाइप्स की काइंड्स की ठीक है इन्फेस्टेशन मैनेजमेंट ऑफ गावा फ्रूट लेडी बर्ड बीटल की डाइवर्सिटी चेक कर सकते हैं किसी भी रिवर साइड पे, किसी पास्टर में किसी क्रॉप लैंड में कंपेयर कर सकते हैं टॉक्सिस टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर एफिकेसी uh, चेक कर सकते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं किसी दो तीन इंसेक्टिसाइड्स की शुगर कैन बोरल्स जो हैं ये बेस्ट हैं शुगर कैन के उनका डैमेज चेक कर सकते हैं राइस टैंप बोरर्स का डैमेज चेक कर सकते हैं टेक्सानोमिक स्टडी ऑफ सिलकोम्स रेसिस ऑन लोकल मलबरी प्रेविलेंस आइसोलेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ एनोप्लाज्मा मार्जिन इन कैटल इसको स्टडी कर सकते हैं ग्रोथ परफॉर्मेंस ये जो आजकल चिक्स को डाइट दी जा रही है आर्टिफिशियल तो वो डिफरेंट डाइट्स का हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि किस में ग्रोथ परफॉर्मेंस uh, जो हमारा चिक है उसकी ज़्यादा है डी एन ए बार कोडिंग चेक कर सकते हैं ये हम ऑक्सीडेज uh, वन जीन की बेस पे करते हैं ठीक है बार कोड्स होते हैं स्पेसिफिक uh, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ना वो चीज़ है और थोप्ट्रा या किसी भी इंसेक्ट ऑर्डर की डाइवर्सिटी चेक कर सकते हैं जो गट बैक्टीरिया है सिल्कोम्पा उस पर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट्स चेक कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं डीएनए एन बार कोडिंग की ही एक किस्म है ये इसके बाद हम पोलिनेटर असम्बलीस की डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं सीजनल अबर्डेंस देख सकते हैं किसी भी इंसेक्ट की कम्युनिटी पैटर्न्स देख सकते हैं किसी भी इंसेक्ट जैसे कि बीटल्स का यहाँ पे जिक्र है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पैथोजेनिक प्रोफाइलिंग देख सकते हैं मास्किटो की और इसके अलावा डंग बीटल्स जो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में रहती हैं यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के कोक सिस्टम कैसे है इसको हम स्टडी कर सकते हैं तो ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स हैं एंटोमोलॉजी से रिलेटेड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिजियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे So stay connected and thank you.